मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट डबरा में बीजेपी को हार का मुंह देखने को मिला है। जिस इमरती देवी को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, वो इमरती देवी अपनी सीट बचाने में नाकाम रही। इमरती देवी को उनके ही समधी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने तकरीबन 8000 वोटों से मात दी है। हालांकि इमरती देवी अपने हार से नाखुश नहीं है। इमरती देवी की माने तो राज्य में अब उनकी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा उनके साथ है तो वो इसी में खुश है। हार के पीछे क्या मानती हो, क्या कारण रहे जिसके नहीं मैं चुनाव जीती हूँ, मैं चुनाव हारी नहीं। जे आप लोग कह रहे कि चुनाव हारी है, मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता एक एक ने मुझे चुनाव जिताया है। मैंने 30,000 वोटों से लेकर 62,000-65,000 वोट कर लिए हैं और इतना वोट बदलना बड़े मुश्किल की बात थी। आज तक आप इतिहास उठा के देखोगे तो 30,000 से ज़्यादा वोट डबरा में भारतीय जनता पार्टी के नन जाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरा वोट को पलटाव कर दिया। जो कांग्रेस के गांव थे उनसे बोलेंगे मैं जीत के आई हूँ, तो मैं जीती हूँ, मैं कहाँ से हार गई। सत्ता सरकार अपनी बनी है तो काय का हार हुआ है। एक कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता सत्ता का बहुत बड़ा आदमी होता है। और मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ हैं, माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं, तो मैं कैसे चुनाव हार गई। और बहुमत की सरकार बनी, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि बहुमत से सरकार बनी है, पूरा बहुमत में सरकार बनी है। आपको लंगड़ी लूली सरकार ने 3 साल हमारी सरकार अच्छे से चलेगी। और इमरती देवी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करती थी और भारतीय जनता पार्टी में करेगी। इमरती देवी ने यह भी माना कि कुछ गलती उनसे हुई थी जिसका वो सुधार करेंगी और फिर से डबरा की जनता के बीच जाएंगी। तो कुछ मेरी गलतियां होंगी ये मैं स्वीकार कर रही कि मेरे से भाई होंगी कुछ गलतियां, उस पर 2,500-2,500 वोट मेरे कट गए। अब मैं सब संभाल लूंगी 2 साल में। ये भी माना है कि डबरा से मेरी हार सुनिश्चित थी, ऐसा? हाँ, मैं बीजेपी में नहीं, वो तो मैंने नेताओं से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है, ये कांग्रेस की सीट है, तो मैं चुनाव हारूंगी लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाऊंगी और मैं चुनाव जीतने की कोशिश करूंगी। 5,000 से वो जीते हैं तो मैं 2,500-3,000 वोट मुझे आ जाते, मैं जीत जाती। लेकिन कुछ ऐसा है कि मैंने जितने वोट पलट पाए उतने वोट मेरी जनता ने मेरे लिए पलटे हैं। और इमरती देवी चुनाव नहीं हारी, इमरती देवी चुनाव जीती। आपको बता दें कि 2013 के चुनाव में इमरती देवी सुरेश राजे को हरा चुकी हैं। हालांकि इमरती देवी तब कांग्रेस में थी और सुरेश राजे बीजेपी में, लेकिन इस बार दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बदल दी थी और सुरेश राजे ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।